हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, अभी जो हम गेम खेल रहे हैं, इस गेम का नाम इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D गेम, जिसमें अपन डंपर चला रहे हैं और लोडिंग डंपर है। तो गाइस, अपने को क्या है कि इस डंपर से ट्रैक्टर वाले को भी बचाना है और मंडी भी, इसको बोरों को, गेहूँ के बोरों को सेल करने के लिए जाना है, क्योंकि अपना ट्रैक्टर कीचड़ में फंसा हुआ है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा बोरे रखे हुए। तो जल्दी से जल्दी लेके चलते हैं। तो भाई, इधर से काटते हुए लेके चलना है अपने को हाईवे के रास्ते। तो जल्दी से जल्दी अपन मेन रोड पे लगा लेते हैं इसको। काफ़ी ज़्यादा स्पीडली भाग रहा है भाई, पावर स्टीयरिंग में है ये अपना डंपर, जो कि जल्दी से जल्दी पट मुड़ जाता है। तो भाई, जल्दी से जल्दी इसको लेके चलते हैं अपन और अपना काम निपटाते, जो कि अपना ट्रैक्टर दलदल में काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ था, उसको निकालते हैं। तो स्पीडली लेके चलते हैं भाई, स्पीड बढ़ा देते हैं थोड़ी सी और रेस देते हैं। अंदर बैठने के बाद ऐसा फील आता है गाइस, और बाहर से भी हमने भी ड्रोन से भी शूट किया है, देख सकते हो आप, काफ़ी शानदार लग रहा है। अपना डंपर निकल के जा रहा है काफ़ी स्पीडली और एकदम लुक तगड़ा है, बट ड्राइवर ही नहीं बैठा है अंदर। बट जल्दी से जल्दी लेके चलते थे गाइस, लग गए अपन मेन रोड। मेन रोड के बाद कम्प्लीटली चलते हैं अपन भाई, स्पीडली भागाते हुए, क्योंकि डंपर ट्रैक्टर अपना धीरे धीरे धसता जा रहा है दलदल में अंदर, है ना। तो स्पीडली भागाते हैं। तो गाइस, देख सकते हो यहाँ से भी आप, बैकग्राउंड काफ़ी शानदार है। और आगे चलने के बाद गाइस, अपने को लेना है राइड। राइड लेने के बाद जल्दी से जल्दी पहुँचते अपन, स्पीड बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, पावर के बटन भी दबा देते हैं। पावर के बटन से क्या है कि स्पीड बढ़ जाती है। तो जल्दी से जल्दी पावर के बटन दबा के निकल चलते हैं अपन, और जो कि आप देख सकते हो यहीं से कीचड़ में अपना ट्रैक्टर कम्प्लीटली फंसा हुआ है, तो उसको अपने को क्या है कि निकालना है। तो भाई, इधर से अपन ले लेंगे लेफ्ट थोड़ा सा, क्योंकि डंपर को उतार लेते हैं भाई, दलदल में उतारना पड़ेगा डंपर को, बट ये ना हो कि ये भी फंस जाए, वरना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी अपने को। तो भाई, जल्दी से जल्दी उतारते हैं अपन इसको भाई। तो आराम से देखते उतारते हो, होले होले कि ज़्यादा गहरा कीचड़ तो नहीं है। तो भाई, कीचड़ तो ज़्यादा गहरा है, बट अपने को ध्यान रखते हुए उतारना है। काफ़ी स्लिप खा रहा है डंपर, दोनों टायर पीछे के काफ़ी ज़्यादा कीचड़ उछाल रहे हैं, बट अपन पीछे करके इसको बांध लेते हैं टोचन। तो गाइस, अपन बांध लेते हैं टोचन, तो कम्प्लीटली टोचन बांध ली है वह अपन ने, है ना, पीछे लगा लिया, काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गया, बट अपने को क्या है कि टोचन बांध लेना है। टोचन के बाद गाइस, हिचक दिया है अपने डंपर ने, वैसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होने के कारण डंपर टाइम नहीं लेता है, बट काफ़ी ज़्यादा उड़ गया है आगे से। बट अपने वो भाई सीट अपना ट्रैक्टर पे चढ़ जाता भी, गाइड थोड़ा हल्का सा तिरछा करके चढ़ाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है डंपर, काफ़ी ज़्यादा लोड हो गया ना दोनों ट्रैक्टरों का, तो काफ़ी ज़्यादा। तो जल्दी से जल्दी इसको निकालते हैं और चलते हैं मंडी की तरफ भाई, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज की इस वीडियो में आपको। तो मंडी लेके जाने के बाद अपन वहाँ पे करेंगे कम्प्लीटली सेल। तो उसके लिए अपने को क्या है कि गोल ब्रिज पे चढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन डंपर को लेके चलते हैं, जो कि इसको पार्क करके आने के बाद अपन इसको लेके चलेंगे, है ना। तो इसको ड्रॉप कर जाते हैं अपन वहीं पर। तो भाई, काफ़ी रोड भी काफ़ी तगड़ा है, बट सामने रोड ख़त्म है, उसके बाद अपने को कच्चे रास्ते से चलना है। तो कच्चे रास्ता का भी ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, जो कि क्या है कि सामने कीले पड़ी हुई है, इनका कीलों का ध्यान रखते हुए निकलना है अपने को, कीले का ध्यान रखते हुए निकलना है अपने को, क्योंकि टायर पंचर हो जाते हैं, उसके बाद क्या है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जल्दी से जल्दी अपन चढ़ाते हैं इसको भाई, जो गोल ब्रिज दिख रहा है ना, इस पर चढ़ाना है अपने को। तो अपन आ गए कंटेनर के पास। तो भाई, ये देख सकते हो आप, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही ना, ये लाइन नहीं है, ये कीलों की लाइन है, कीलो वाली, है ना। तो ये क्या है कि इससे पंचर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, 100% चांसेस है। तो यहाँ से अपन इसको चढ़ा लेते हैं, और भाई मेरे हिसाब से अपन इसको ऐसा करते हैं, आगे थोड़ा सा चढ़ाने के बाद अपन ट्रैक्टर को लेने के लिए चलेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर अपने को ट्रैक्टर को लाने में, है ना। तो अपन इसको प्रॉपर यहाँ पर खड़ा कर देते हैं कम्प्लीटली, और देख लेते हैं कि भाई टेक वेक लग गई, ब्रेक व्रेक। तो कैसे आ चुके हम ट्रैक्टर को लेने के लिए। तो पीछे लेते हुए हल्का सा अपन बढ़ा देते हैं अपने मेसी को कम्प्लीटली। भाई, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है मेसी ट्रैक्टर भी, बट वो क्या है कि कीचड़ में गलती से फंस गया था, है ना। तो जल्दी से जल्दी चढ़ाते हैं इसको भाई, मिशन के लिए भगाते हुए ले चलते हैं अपन। तो काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो आप, कंटेनर वाला ब्रिज तो दिख रहा है यहीं से, बट अपना नहीं दिख रहा क्योंकि ज़्यादा दूर है हो, बट धीरे धीरे दिखने लग जाएगा। तो गाइस, अब दिखने लग गया हो, तो जल्दी जल्दी चलते, जो कि आप अपना डंपर देख सकते हो, हल्का सा ब्लर ब्लर दिख रहा है, वहीं पर चलना है अपने को, और उसके पीछे लगाना है स्कोर, उसके बाद उसको बढ़ाना है ना गाइस। तो भगाते हुए चलते हैं, और यही गलती से बचना है अपने को, जो कि अपने देख सकते हैं कील, मैंने जैसा कि बताया था कीलों से बचते हुए चलना है अपने को। तो यहाँ से ले लेते हैं हल्का सा अपन राइट। राइट के बाद इससे क्या है कि कीलों से बच गया अपन ने, कम्प्लीटली काट लिया है, और अपने को क्या है कि इसको डंपर के जस्ट पीछे लगाना है, है ना। डंपर के पीछे लगाने से पहले अपने को ध्यान भी रखना है। तो अब अपन काटेंगे, और भाई ऊपर चढ़ाना है ट्रैक्टर को, तो लंबा टर्न लेना है अपने को, सीधा लेना। गाइस, काफ़ी ज़्यादा लोडिंग ट्रैक्टर है, इसके कारण क्या है कि स्लिप ज़्यादा मार रहा हो, है ना। तो अपन इधर की साइड ले लेते हैं हल्का सा इसको, वो भाई किधर चढ़ेगा ये, तो लगा देते हैं डंपर के जस्ट पीछे लगा देते हैं अपन, एक काम करते हैं इसको, काफ़ी ज़्यादा लोड ले रहा है चढ़ने में, धुआं तो बस लगा देते हैं हैंड ब्रेक इसका कम्प्लीटली, और अब बैठ जाते हैं डंपर के अंदर, बढ़ाते। ओ भाई सिट, डंपर ने तो वाट लगा दिया अपने ट्रैक्टर को, पीछे लगा दिया है, बट कोशिश करते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से तो बेलन से नहीं बन पाएगा डंपर का, तो अपने को क्या है कि नीचे से बेलन से बना के आना पड़ेगा, है ना।
तो पूरा प्रॉपर नीचे लेके चलना पड़ेगा इसको, जो कि ट्रैक्टर को तो उसने धक्का दिया है अपने को, अपन जो बड़ी मेहनत से लेके आए थे, बट डंपर को चढ़ाना है अपने को, है ना। तो अपन सबसे पहले डंपर को चढ़ा देते, फिर आएंगे अपन ट्रैक्टर को लेने के लिए, जो कि अपने 4 राउंड कंप्लीट करने के बाद प्रॉपर जगह पर अपन इसको खड़ा करके आ जाएंगे हैंड ब्रेक लगाने के बाद, उसके बाद लेके चलेंगे ट्रैक्टर को। तो गाइस इसमें अपने को क्या है कि जो ओ भाई से ट्री बस लेना पड़ेगा हल्का सा अपने को, क्या है कि अगले ओ भाई गए थे हल्का सा वो ले लेते हैं रिवर्स, जिससे क्या है कि ट्रैक पर जाएगा। तो भाई अभी ध्यान रखना है अपने को, है ना, कम्प्लीटली ध्यान रखते हुए चढ़ाना है अपने को ट्रैक्टर ट्रक डंपर को, है ना। तो भाई चढ़ाते हैं स्पीडली इसका ध्यान रखते हुए, वो जल्दी से जल्दी चढ़ाते हैं। तो हल्का सा ओ भाई जाने के चांसेस ज़्यादा है मेरे को लग रहा है, कंट्रोल में नहीं है डंपर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बोरियाँ भर दी इसमें अपन ने, तो प्रॉपर चढ़ा लेते हैं इसको भाई और गेम को करते हैं कम्प्लीटली, है ना। तो जल्दी से 3rd राउंड भी अपना कंप्लीट हो चुका है, तो इसको कंप्लीट करते हुए भाई चौथे की तैयारी करते हैं अपन, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है अभी अपने लिए, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। तो भाई अपन ने चौथा भी कंप्लीट कर दिया, अपन आ गए एंडिंग में, मतलब लास्ट राउंड अपने को ये कंप्लीट करना है और उसके बाद चलना है अपने को प्रॉपर ट्रैक्टर लेने के लिए, है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोडिंग है, उसमें भी चांसेस ज़्यादा रहेगी आगे से उठने के, जो कि अपने कंट्रोल में नहीं हो पाता है तब वो, है ना। तो जल्दी से जल्दी इसको अपन प्रॉपर जगह पे खड़ा कर देते हैं डंपर को वहाँ पे, और इसका लगा देते हैं हैंड ब्रेक, है ना। तो भाई अपन ले आए कम्प्लीटली जगह पे, अब मेरे हिसाब से यहाँ पे हल्का सा रिवर्स लेके इसको खड़ा कर देते हैं और चलते हैं ट्रैक्टर को लेने के लिए। तो गाइस अब आग जाएंगे हम नीचे जस्ट ट्रैक्टर को लेने के लिए, तो भाई बढ़ा दिया हमने ट्रैक्टर को, तो चढ़ा देते हैं यहीं से क्लियर और जल्दी से जल्दी इसका गेम भी क्लियर करते हैं ना। तो भाई काफ़ी ज़्यादा लोड ले रहा है ट्रैक्टर तो यहीं से, पर अब क्या है कि दमदार है, बड़ा ट्रैक्टर है वैसे ही मेसी, अगर महिंद्रा भी होता तो चढ़ जाता, बट वो जो आयसर है पुराना वाला वो नहीं चढ़ा पाता क्योंकि उठता ज़्यादा है आगे से वो, है ना, लोडिंग ट्रॉली होने के कारण। बहुत जल्दी से जल्दी चढ़ाते हैं, पहला राउंड तो कंप्लीट करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धुआं दे रहा है ट्रैक्टर, बट अपने को ध्यान रखना है इसका और चढ़ाना है ना। तो अपन पहला राउंड ये मानो कि अपना कंप्लीट होने वाला है, जस्ट थोड़ा सा आगे जाने पर अपना ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा और अपना हो जाएगा 2nd राउंड स्टार्ट। तो 2nd राउंड स्टार्ट होने से पहले अपने को ध्यान रखना है सब, है ना, वो चढ़ाना है। तो जल्दी से जल्दी गाइस, तो 2nd राउंड भी ये मानो कि कंप्लीट हो गया, अपन 3rd राउंड की तैयारी में अभी, 3rd राउंड होने के बाद 4th, और उसके बाद अपन प्रॉपर पहुंच जाएंगे अपने डंपर के पास, जो कि जहाँ पे अपना मीटर क्लियर हो जाएगा, एकदम कम्प्लीटली हो जाएगा अपना मिशन, है ना। तो जल्दी से जल्दी पूरी सेफ्टी के साथ चढ़ाते, जो कि अपने को ध्यान रखना है भाई, काफ़ी ज़्यादा लोडिंग ट्रोली होने के कारण उठता है ट्रैक्टर और हवा भी ज़्यादा है अगले वाले टायर में, है ना। तो इसका ध्यान रखते हुए अपने को चढ़ाना है ऊपर, जो कि अपने एंडिंग में आ चुके हैं, बस अपन हल्की सी गलती अपने को महंगी पड़ जाएगी, इसलिए अपन ध्यानपूर्वक चढ़ाते भाई। तो आ गए लास्ट राउंड भी अपन ने कम्प्लीटली कर दिया है, जो कि अपन आ गए डंपर के, ओ भाई सेट हल्का सा रिवर्स लेना पड़ेगा, देखो मैंने बोला था ना जैसा हो गया उठ जाता है आगे से। तो भाई अब प्रॉपर ध्यान रखते हुए अपने को क्या है कि डंपर के पीछे इसको लगाना है और मंडी में इसको अपने को करना है कम्प्लीटली सेल, सेल के बाद देखते हैं अपन क्या माहौल बनता है अपना, है ना, पेमेंट का। तो जल्दी से जल्दी लगा देते हैं उसके पीछे, जो कि अपनी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद अपन ले लेंगे अपना पेमेंट। और गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो हमने बहुत अच्छी बनाई है, है ना। तो हमने कर दिए कम्प्लीटली दोनों को खड़े और कर दिए मंडी में सेल, अब प्रॉपर अपने पैसे लेके निकलते हैं। और गाइस